इंडिया इस वक्त जिम्बाब्वे दौरे पर है, इसके बाद वो एशिया कप भी खेलेगी, लेकिन इन सब के बीच इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान और टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा अब आईपीएल में नई टीम की ओर से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। जी हाँ, खबरों की माने तो इंडियन प्रीमियर लीग 2022 खत्म होने के बाद से ही रविंद्र जडेजा और चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट के बीच कोई संपर्क नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि रविंद्र जडेजा आईपीएल के अगले सीजन यानी कि 2023 से अपनी एक नई राह या यूं कहें कि अपनी एक नई टीम चुन सकते हैं। आईपीएल 2022 के दौरान रविंद्र जडेजा और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच एक विवाद हुआ था। पहले रविंद्र जडेजा को टीम का कप्तान बनाया गया, लेकिन खराब प्रदर्शन की वजह से उन्हें बीच में ही हटा दिया गया और कमान फिर से महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में आ गई थी। खबरों की माने तो रविंद्र जडेजा इसी वजह से काफी खफा थे। इसके बाद उन्होंने एक दो मैच खेले, लेकिन इसके बाद चोट की वजह से बाहर हो गए। अब एक बार फिर रविंद्र जडेजा और चेन्नई सुपर किंग्स में अलगाव की बातें सामने आ रही हैं। रविंद्र जडेजा आईपीएल 2022 के बाद से ही सोशल मीडिया पर चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े सभी पोस्ट हटा चुके हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें कई पोस्ट में शामिल किया है, लेकिन उन्होंने कोई भी रिस्पांस नहीं किया है। आपको बता दें कि एमएस धोनी साफ कर चुके हैं कि वो 2023 का आईपीएल खेलेंगे। इसका मतलब यही हुआ कि वही टीम की कमान भी संभालेंगे। ऐसे में रविंद्र जडेजा की बतौर कप्तान टीम में एंट्री मुश्किल है, हालांकि वो बतौर ऑलराउंडर वापस आ सकते हैं। आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा आईपीएल में अब तक चार टीमों की ओर से खेल चुके हैं, इसमें राजस्थान रॉयल्स, गुजरात लायंस, कोची टस्कर और फिर चेन्नई सुपर किंग्स शामिल है। रविंद्र जडेजा 2012 से 2015 और फिर 2018 से 2022 तक चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़े रहे हैं और टीम के स्टार प्लेयर बने रहे हैं। आईपीएल में रविंद्र जडेजा का रिकॉर्ड देखें तो वो अभी तक कुल 210 मैच खेल चुके हैं, इसमें उनके नाम 2502 रन हैं, जबकि रविंद्र जडेजा 132 विकेट भी झटक चुके हैं। पिछले कुछ साल में वो बेहतरीन फिनिशर बनकर उभरे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही चेन्नई सुपर किंग्स और रविंद्र जडेजा के बीच उपजा ये विवाद खत्म होगा और मामले में सच क्या है ये सबके सामने आएगा।